वाह, ये अमरुद तो बड़ा मीठा है। आपको भी पसंद होगा और आपने भी इसे बहुत खाया होगा। अंदर से बड़ा मीठा है लेकिन बाहर से थोड़ा सा कठोर लग रहा है, ऐसा क्यों? चलिए इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। क्या आप जानते हैं इसमें विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं और वो कैसे दिखते हैं? आज हम उसे माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं। इसके लिए हमें कुछ सामग्री ज़रूरी होती है जो यहाँ पर मैंने पहले से रख दी है। स्लाइट, डिसेक्टिंग नीडल, फोर्सेप, वॉच ग्लास, कवर स्लिप, ब्लेड और आयोडीन विलयन। सबसे पहले हम अमरुद के गूदे को निकालते हैं। इसको ब्लेड की सहायता से काटेंगे। फॉर्सेप से इसके गूदे को मैंने यहाँ निकाला है और वॉच ग्लास में डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे ताकि जो अमृत का गूदा है वो सूख न जाए। इसमें से थोड़ा सा गूदा स्लाइड के ऊपर मैंने लिया और उसे डिसेक्टिंग नीडल की सहायता से हम मसलेंगे इस प्रकार से। ताकि इसकी कोशिकाएं अलग अलग हो जाए और हमें माइक्रोस्कोप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसमें एक बूंद आयोडीन विलयन की डाली जिससे इसमें स्टार्च के कण गहरे नीले रंग के हो जाएंगे और जो हमें माइक्रोस्कोप में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अब इसके ऊपर हम धीरे से एक कवर स्लिप ढकते हैं। धीरे से रखना है ताकि हवा के बुलबुले इसमें प्रवेश न करें। इस प्रकार से हमारी स्लाइड यहाँ पर रेडी हो गई। अब इसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसमें कोशिकाएं दिख रही है, वे लंबी, पतली और मृत दिख रही हैं। इसके अलावा लिग्निन के जमाव के कारण इसमें इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरकोशिकीय स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि अमरुद में विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिसे हम दृढ़ोतक ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। आप अपना क्रियाकलाप करिए, मैं अपना अमरुद खाती हूँ।